मध्य प्रदेश के बड़वाह में विगत दिनों इंदौर इच्छापुर हाईवे पर वाहन दुर्घटना में मृत हुए मदन सिंह गणगौती की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने अब ज्ञापन सौंपा है, तो वहीं कई समाज के प्रतिनिधि पहुंचे हैं, जहां एसडीएम मिलन ढोके को उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन राज्यपाल के नाम सौंपा गया है, तो ज्ञापन में मांग की गई है शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक किया जाए, यहाँ वाहनों के जो भारी वाहन हैं उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाए, तो हाईवे पर जो गड्ढे हो गए हैं उन्हें भरा जाए, वहीं समुचित व्यवस्था की जाए। इस अवसर पर अगर देखा जाए तो अनेक समाज के प्रतिनिधि मौजूद रहे। आज ज्ञापन जो दिया है तो कंडर समाज एवं अन्य समाज के अध्यक्ष को द्वारा आज ज्ञापन दिया हुआ है। वो ज्ञापन इस माध्यम से दिया है कि जो दुर्घटना में हमारे काका मदन दीपक पिता उर्फ मदन इनकी दुर्घटना हो गई, तो ये उनका बालक है, एक इससे छोटा बालक है, और हम चाहते हैं कि जो दुर्घटनाओं में जिनकी एक्सीडेंट में मृत्यु हुई तो इनके बालों को आर्थिक सहायता एवं शैक्षणिक में मदद मिले, पढ़ाई लिखाई में मदद मिले, और साथ ही ये आए दिन अतिक्रमण एवं लंबे ट्रैफिक के कारण ये जो दुर्घटनाएं हो रही है, तो शासन से मांग कर रहे हैं कि एक तो रोड चौड़ीकरण करा जाए और अतिक्रमण पे ध्यान दिया जाए और रोड का काम किया जाए, और अन्य ज्ञापन के माध्यम से ये और ये भी ध्यान में लाना चाहते हैं कि जिन परिवार जो से अन्य पहले भी जो मृत्यु हो गई, कई परिवारों के आने वाले भविष्य में कभी एक्सीडेंट होता है, तो ऐसे परिवार वालों को तुरंत तो शासन की योजना है और आर्थिक लाभ मिलना चाहिए। आज कुछ समाज के लोग इच्छापुर हाईवे पे जो लगातार दुर्घटना हो रही है उसके संबंध में आवेदन देने आए थे, तो अभी वर्तमान में एमपीआरडीसी ने का कुछ पैसा सेंक्शन हुआ है, उसी पैसों को लेकर वहाँ पर काम किया जाना है। तो पहला टेंडर लगा था पर टेक्निकल त्रुटि के कारण वो वापस रीटेंडर करना पड़ा है उसको। तो अब जैसे उनका पैसा आता है तो पूरा स्थायी अस्थायी अतिक्रमण हटाया जाएगा और वहाँ पर स्थायी रूप से सड़क बनाई जाएगी। हाँ, अस्थायी रूप का जो अतिक्रमण बताया था अभी सीएमओ को कहकर और एसडीओपी को भी एक पत्र जारी किया है, तो जो भी पार्किंग जो गलत तरीके से कर रहे हैं पार्क उसको हटाया जाएगा और अस्थायी ठेले और गुमटियाँ जो रखी उसको भी हटाया जाएगा।